सिंधिया जी के सर बताना सर शायद वो लेकिन मुख्यमंत्री सर बने। कल लेकिन सिंधिया सर कल सिंधिया जी का जो बयान आया, आपने जो इस्तीफा दिया उसके बाद सिंधिया जी का बयान आया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये चुनाव से पहले दल बदल की जो राजनीति है वो होते रहती है। ये राजनीतिक भाषाएं हैं और कई जगहों पर भी कह रहे हैं कई जगह पे लोगों कई जगह पे लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी ने पहले उम्मीदवारों की टिकट जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो हो सकता है शायद टिकट का कोई दबाव था आपके नहीं, ऊपर, टिकट का कोई ऐसा लोग दबाव कह रहे नहीं हैं। है। टिकट में तो कॉलरस में भी आज मैं भारतीय जनता पार्टी से जीतने वाले एक नंबर के उम्मीदवार में हूँ। 6 बार सर्वे हो चुके हैं अनन तरीके से, चाहे वो आईबी का हो, माननीय स्वराज जी ने कराया वो हो, प्रदेश संगठन ने कराया हो, अमित शाह जी के यहाँ से जो टीमें आई हो, सारे सर्वे में नंबर एक पर मैं हूँ। यहाँ तक कि सुपरी विधानसभा से जो वर्तमान मंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उनके साथ भी मेरा सर्वे यहाँ पार्टी ने कराया है, उनसे ज्यादा डबल मांग यहाँ पर भी मेरी है। दो दो जगह से आज भी भारतीय जनता पार्टी में भी सर्वे में मैं आगे हूँ, लेकिन मैंने उस दिन निर्णय ले लिया था, आज नहीं लिया। जिस दिन 1.5 महीने पहले कोर कमेटी की बैठक में मेरे मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मेरे मुख्यमंत्री, उनकी बैठक में जब मेरी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने मुझे धुतकार करके बैठने को कहा, तेज आवाज में कहा कि नहीं बैठिए बीरेन जी। तो मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, पूरा संभाग जिला और मध्य प्रदेश मुझे जानता है। मैंने उसी दिन मन में बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी में ना तो संगठन मेरा सहयोग कर रहा है ना पार्टी कर रही है, भ्रष्ट मंत्रियों के पक्ष में सब हैं। तब मैंने जिस तरह उन्होंने भाषा में बात की, उसी भाषा में मैंने बिना अनुमति के खड़े होकर अपनी बात रखी कि इस तरह के भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ अगर आप सुनना नहीं चाहते तो मेरी मर्यादाएं थी। व्यक्तिगत भी मैं सर आपको लेकिन कहना जब चाहता आप था, सर व्यक्तिगत भी मैं आपको कहना 2014 में चाहता था, वन टू वन में आप सुनना नहीं चाहते, कोर कमेटी की बैठक में आप सुनना नहीं चाहते, तब मैंने अपनी बात को वहां रखा कि इस तरह के बलपूर्वक काम करने वाले, अनाचार दुराचार करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले मंत्रियों के खिलाफ भी अगर एक विधायक की बात को आप नहीं सुनेंगे तो मैंने कहा इस बैठक में मुझे रहना ठीक नहीं है। मैं बैठक का बहिष्कार करके उस दिन आ गया था और मन मैंने उसी दिन बना लिया था कि इस तरह के भ्रष्ट मंत्रियों के और भ्रष्ट सरकार के साथ मुझे काम नहीं करना। टिकट तो मैं खुद ही नहीं चाहता था, आज भी नहीं चाहता। और ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे कहा नहीं हो, मनाने की कोशिश नहीं की हो या फोन नहीं आए हो, सब कोशिशें होती हैं, सब होते हैं। मेरा एक ही जवाब रहा कि मुझे अब भारतीय जनता पार्टी में कम से कम मनाने की संभाग कोशिश में कांग्रेस सिंधिया की जी तरफ की से भाजपा होने के बाद काम नहीं करना मुझे। सर ये मनाने की कोशिश क्या कांग्रेस की तरफ से है? नहीं, कांग्रेस की तरफ से कोई कोशिश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि यहीं पिसते रहो, यहीं कुटते रहो, यहीं प्रभारी मंत्री का आतंक झेलते रहो और आप यहीं बने रहो।